नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार अयोध्या उत्तर प्रदेश से आपके अपने YouTube चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे लोबिया की खेती कैसे की जाए। लोबिया की खेती करने के लिए कई सारे पर्पज़ होते हैं, जैसे चारे के लिए भी उसे यूज करते हैं, दाने के लिए भी यूज करते हैं और सब्जी के लिए भी। तो अलग अलग पर्पज़ से लोबिया की खेती की जाती है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं फील्ड पे लोबिया की फसल। देखिए आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे सभी लोग किसान भाइयों, ये हमारा लोबिया लगा हुआ है। ये देखिए ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है लोबिया, जैसा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इसकी बुवाई हम लोग आमतौर पर जून जुलाई में करते हैं। जून जुलाई में इसकी बुवाई करते हैं। इसके लिए उत्तम मृदा, कही जाए तो दोमट मृदा रहती है, अच्छी जल निकास वाली भूमि का हम लोग चुनाव करते हैं और इसको विभिन्न पर्पज़ पर उगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये दाने के लिए उपयोगी लगाई गई हुई फसल है। इसमें अच्छी खासी में चारे में भी उपज प्राप्त हो जाती है, काफ़ी दाने में भी प्राप्त होती है और इससे आमदनी में भी इजाफा होता है। देखिए आप लोग किसान भाई, फसल हमारी लगी हुई है। ये देखिए काफ़ी फूल भी आया था और वैसे भी हमारी फसल भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी फसल है हमारी। इससे अच्छी आप लोग फसल भी ग्रो कर सकते हैं, अपनी फील्ड पर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और खरपतवार, ये तो फसल के लिए आम बात है, खरपतवार और फसल की एक मित्रता जैसी है, ये वो दोस्ती की हो या दुश्मनी की, लेकिन ये किसी भी फसल में ऐसा नहीं है कि खरपतवार ना होता हो। खरपतवार हम लोग बुवाई के भाई 30 से 35 दिन बाद खेत से निराई कर देते हैं, इससे हमारी प्लांट को ताकत मिलती है, अच्छा ग्रो करता है और इसके बाद उपज में भी इजाफा होता है। तो किसान भाइयों, आपने अभी देखा कि लोबिया खेती लगी हुई है हमारी, अच्छा खासा उपज प्राप्त होती है इससे, इसको उगाकर हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा, मान लो ये फसल कटने के बाद इसके जो पेड़ बचेंगे उनको हम चारे के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसे ओनली चार पर्पज़ लिए उगाते हैं तो लगभग भाई 30 से 40 टन हमको चारे की प्राप्ति होती है। तो आप लोग किसान भाई देखिए एक बार फिर से, जैसा आप सभी ने देखा हमारी फसल काफ़ी अच्छी है, आप भी इससे अच्छी फसल को उगा सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाई इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।